ये आंटी होगी तेरी माँ, अपनी आंखों के बटन खोल कर देख, तुझे आंटी दिख रही मैं? अरे आंटी को आंटी तो कहूंगा, ये तू आधी उम्र का अधेड़ आदमी मुझे आंटी कहेगा? ऐसा है एक पंजे में गंजा कर दूंगी, समझा ले इसे। अरे कोई बात नहीं सिंपली, ऐसे गुस्सा नहीं करते, शांत हो जा, कोई बात नहीं। किस एंगल से आंटी लग रही? अरे सिंपोली यो तो पागल है, तू कहां इसकी बात तो मार रही, तू इसके कहने से आंटी थोड़ा ही हो जाएगी, हमारी सिंपोली कैटरीना जैसी। मुंह पे फाउंडेशन लगाऊंगी तो कैटरीना भी फेल है। ओके आंटी जी, तुझे मैं बताऊं क्या है, अपने बाप की जिंदगी पर लगने वाले दाग तुझे कर दूंगी अभी साफ। ए सिंपोली रहने दे, हट जा, छोड़ दे तू मुझे आज, एक थप्पड़ में इसके कनपटे की मोटर फूंक दूंगी। अरे कोई बात नहीं रहने दे, हट जा। ए गंजे छोड़िए, तू कहां खींच के ले जा रही है मुझे, चलते रहो भी तो एक राउंड डोल लेंगे पार्क के। अरे खुजली भाभी, भैया दूज भी तो आ गई। ए आ गई भेना, हमारे तो गए 4-5 हजार रुपए। हाँ तुम्हारे तो दो ननंद है, भगवान का शुक्र हम दो ही हैं। इन जैसी एक आदोर होती तो हमारी तो जमीन बिक जाती। क्यों तेज है क्या? मत पूछो भेना, आज तो मेट्रो पर से ही फोन कर देंगी, द्वारिका खड़ी हूँ, ले जाओ मुझे यहाँ से कार से। एक कैब नहीं चल रही, ऑटो में आग लग गई, खुद आ जाओ। पर नहीं, हेलीकॉप्टर चाहिए भाई, सही खुद लाऊंगी 100 रुपए किलो वाले सफेद रसगुल्ले, और यहाँ 1000 रुपए दे दो तो ऐसा करेंगे आधा हिस्सा हो प्रॉपर्टी में हमारा। भेना तू सहरा ले जा, हमारी जमीन बिकवा कर ले जा। भाभी 1000 रुपए तो बहुत है। वो तो भेना, आप कितने लेती हो अपने भाई से? मैं तो खैर 400 चना लेती।